गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंजीनियर एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस टाइम पे आपकी मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलती है, जो कि 9 से लेकर 10 बजे तक चलती है आप लोगों की, ठीक है ना। और इवनिंग में आपकी 4 से 5 जनरल स्टडी क्लास चलती है, जो कि ऑब्जेक्टिव है आज का, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जल्दी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास है आपकी, जो कि करंट अफेयर की, जो 7 से 9 चलती थी, अब लेकिन 7 से 8 चलती थी, अब आपकी 9 से 10 रहेगी। तो जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज के लिए करंट में आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहा है, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि डॉट्स टेलीकम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विस ऑन फ्लाइट। फ्लाइट के अंदर जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, वो कौन सी कंपनी को अभी लाइसेंस दिया गया, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये लाइसेंस किसे दिया गया है, जो कि क्या कराएगा, प्रोवाइड टू इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विस ऑन फ्लाइट्स, फ्लाइट्स के अंदर, ठीक है। तो इसे अभी किसे दिया गया आपका, ये BSNL को, ठीक है ना, किसे दिया गया आपका, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि आपका कब बना था, 2000 के अंदर बना था, जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था आपका, 2000 में बनाया गया था। तो ये किसे दिया गया आपका, BSNL को दिया गया, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के ध्यान दें आप लोग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, और ये मैंने कल भी बताया था कि आपका स्लोवाकिया जो आपका कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ, वो क्वेश्चन आज रिपीट है आपके, ठीक है। तो कौन सी बनी अभी रिसेंटली, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, ठीक है ना, ये कहाँ के है, यूरोपियन लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप के अंदर एक ये क्या है आपकी लैंडलॉक कंट्री है। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर है आपका जुजाना कापुटोवा, ठीक है ना, ए राइट आंसर आएगा इसमें बच्चों, ए राइट आंसर आएगा, यानी कि आपका ए सही आंसर है इसमें, ठीक है। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को कि आपसे पूछा जाएगा कि ये कंट्री कहाँ पे है, आपसे क्या पूछेगा कि ये कंट्री कहाँ पे है, तो ये कंट्री आपकी कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है, ठीक है ना, यूरोप के अंदर है, जो अपने आप में एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है आपका, स्थल रुद्ध कहते हैं उसे, जिसे जिसकी कोई भी सीमा या किसी ओर से भी या किसी सी को टच नहीं करता है, यानी किसी भी समुद्र को इसकी बाउंड्री टच नहीं करती है, लैंडलॉक कंट्री होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2019, जो आपका वाटर डे मनाया गया 22 मार्च को, इसकी थीम क्या थी? तो ये मैंने आप लोगों को टॉपिक जब पढ़ाया था तो स्पेशली रखी भी गई थी कि इसकी थीम क्या थी, लिविंग नो वन बिहाइंड, ए इसमें राइट आंसर आएगा आपका, लिविंग नो वन बिहाइंड, इसकी क्या थी, थीम थी। तो ये बार बार रिपीट करने की वजह यह है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या बनना चाहिए आपका, ए लिविंग नो ऑन बिहाइंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अभी रिसेंटली क्या हुआ था आपका, इंटरनेशनल मैरिटाइम एग्रो, जिसका नाम क्या था आपका, लीमा 2019, विल बी ऑर्गेनाइज्ड, कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया इसे, इजिप्ट, मिस्र के द्वारा, मॉरिशस हो गया आपका, मलेशिया या साउथ अफ्रीका, किसके द्वारा ये क्या किया गया था आपका, ठीक है ना, अभी यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया था, या होस्ट कंट्री कौन सी थी।
जिसका नाम क्या दिया गया था आपका, लैंग कावी। लैंग कावी या इसे क्या बोला जाएगा आपका, लिमा 2019 जो कि आपका क्या है, एक इंटरनेशनल मैरिटाइम एग्रो है, ठीक है ना, मैरिटाइम एग्रो। तो इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए, तो राइट आंसर आएगा इसमें बच्चों आपका मलेशिया, मलेशिया के द्वारा आपका, ठीक है, लीमा 2019, लीमा 2019, लीमा का बता दिया मेरे को, लैंकावी इंटरनेशनल मैरिटाइम एग्रो। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, अगर पूछता है कि लीमा की फुल फॉर्म, तो लीमा की फुल फॉर्म क्या आपकी, लैंकावी इंटरनेशनल मैरिटाइम एग्रो एक्सपो, ठीक है ना, एग्रो एक्सपो करके आएगा आपका, तो कौन, मलेशिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आपका, द अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर, सद्भावना दूत के रूप में जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन डिपार्टमेंट फॉर द लोकसभा पोल 2019 जो 17वीं लोकसभा है, तो कल मैंने आपको बताया था कर्नाटक के अंदर जो हाई जंपर थे उन्हें क्या बनाया गया था, वहां का एक सद्भावना दूत बनाया गया था, यानी कि वो क्या करेंगे, लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसके लिए अवेयर करेंगे लोगों को। तो उसी तरह से जेएनके के अंदर किसे चुना गया आपका, अनुकृति व्यास, मानुषी छिल्लर, तारा गुशाई या सना दुआ, किसे चुना गया आपका, ठीक है, किसको, जेएनके के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यानी कि द अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन डिपार्टमेंट फॉर लोकसभा पोल 2019, द अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर यानी कि आपका, जैसे कि 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव होने, 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव होने, जिसके लिए, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कर्नाटक के अंदर हाई जंपर, उन्हें क्या चुना गया आपका, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया लोकसभा चुनाव के लिए, उसी तरह से सना दुआ का नाम सुना होगा आपने, सना दुआ, ठीक है ना। तो ये क्या थी आपकी, मिस इंडिया 2018 की क्या थी, रनर अप थी। तो इन्हें 2019 लोकसभा चुनाव जेएनके के अंदर अवेयरनेस के लिए, लोगों में वोटिंग अवेयरनेस के लिए क्या चुना गया, सद्भावना दूत चुना गया, ठीक है। तो डी इसमें राइट आंसर आएगा, डी क्या आएगा इसमें, राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, डी इसमें क्या आपका राइट आंसर है। हाँ, अभिषेक यादव जी ने आंसर दिया है डी, सना दुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स के आपका गेम चेंजर इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर, गेम चेंजर किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है, गेम चेंजर किस क्रिकेटर की क्या है, आत्मकथा है। यहां पे कुमार संगकारा, शाहिद अफरीदी, शेन वॉटसन या आपका एमएस धोनी, कुमार संगकारा, शाहिद अफरीदी, शेन वॉटसन या एमएस धोनी, गेम चेंजर, ठीक है, गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो किसकी होनी चाहिए इसमें, राइट आंसर क्या बनना चाहिए आपका, बी, शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर इनकी क्या है, आत्मकथा है, रिसेंटली चर्चा में भी रहे अपने कुछ ट्वीट के कारण, जेएनके के अंदर जो ट्रेजिडी हुई थी उस कारण काफ़ी चर्चा में भी रहे भारतीय न्यूज़पेपरों में, जिस तरह से गौतम गंभीर भी काफ़ी चर्चा में थे, तो उसी तरह से अगर आपसे पूछ सकता है गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो शाहिद अफरीदी की, ठीक है ना, बी इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी, ठीक है ना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, गोवा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किन्हें चुना गया है, दिगंबर कामंत, श्रीपद नायक, मनोहर आजोंकर, मनोहर आजगोंकर या विजाई, वहां के जो सीएम चुने गए थे उनका नाम क्या था, प्रमोद सामंत, ठीक है। तो अभी डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसे चुना गया है गोवा के अंदर,
तो सी इसमें आएगा आपका मनोहर आज गोवंकर, एज गोवंकर, ठीक है ना, मनोहर आज गोवंकर, इसमें सी राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका सी। और प्रमोद सामंत, प्रमोद सामंत के आपके यहां के सीएम है, ठीक है ना, गोवा के वर्तमान सीएम का नाम क्या है, प्रमोद सामंत, और उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनोहर, ठीक है ना, आजोंकर, प्रमोद सामंत यहां के सीएम है, ठीक है, प्रमोद सामंत यहां के क्या है, सीएम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अप्रैल 1 to 7 इज ऑब्जर्व एज द प्रिवेंस ऑफ वीक एवरी ईयर इन इंडिया। भारत के अंदर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के मध्य किस तरह से मनाया जाता है, एवरी ईयर किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, डायबिटीज के रूप में, कैंसर के रूप में, या ब्लाइंडनेस के रूप में, या मलेरिया के रूप में। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक भारत के अंदर पूरे वीक के अंदर, फर्स्ट वीक यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक किस रूप में मनाई जाती है, जो अनाउंस किया गया था 1960 में पंडित जे एल नेहरू द्वारा, ठीक है ना, पंडित जे एल नेहरू उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, आपके पीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में यानी फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में किस रूप में मनाएंगे, डायबिटीज के रूप में, यानी एक अवेयरनेस होगी, ये क्या होगी, एक अवेयरनेस के रूप में, ठीक है, तो कैंसर अवेयरनेस के रूप में, तो ब्लाइंडनेस, इसका राइट आंसर आएगा आपका ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जो होती है, ठीक है ना, सी इसमें राइट आंसर आएगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के किस रूप में मनाते हैं, ब्लाइंडनेस, यानी सी राइट आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद द हाईएस्ट डिकॉर्नेशन जायद मेडल। अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, यूएई के द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा, सऊदी अरबिया के द्वारा, या मालदीव के द्वारा। रिसेंटली ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद द इट्स हाईएस्ट डिकॉर्नेशन जायद मेडल। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, अभिषेक यादव जी ने यहाँ पे आंसर भी दिया है, और रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए आपके, यूएई, ठीक है ना, यूएई, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के द्वारा, ठीक है, वहाँ का जो आपका डिकॉर्डिनेशन जायद मेडल होता है वो किसे दिया गया, आपका पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक्सरसाइज संप्रीति इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिपीट जरूर दिखेंगे, लैंग्वेज दूसरी होगी, लेकिन इसलिए रिपीट करने की वजह ये होती है कि आप पिछले क्वेश्चनों को भूल तो नहीं रहे। हर दिन मैं 5 से 10 क्वेश्चन या आपके, ठीक है, रिपीट भी करता हूँ, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके होते हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं मैंने आपको वन वर्ड में पढ़ाया होगा या फिर ऑब्जेक्टिव बताया होगा। तो अभी जो एक्सरसाइज हुई थी आपकी दो कंट्रियों के बीच में अगर आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे क्या बोलते हैं आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास, दो अलग अलग कंट्रियों के बीच में ये एडिशन होता है आपका, तो अभी रिसेंटली जिसका नाम क्या आपका संप्रीति, संप्रीति से क्या नाम दिया गया, ठीक है, तो ये किस किस के बीच हुआ आपका, तो ये हुआ आपका, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए इसमें, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट्स किया है, विकास कुमार रॉय जी ने, कि सर बायो कंप्लीट करा दीजिए, तो जल्दी से बायो वाला, हम लोग बायो पे भी ऑब्जेक्टिव लेंगे, उसमें देखेंगे आपका लेवल किस तरह का पहुँच चुका है अभी बायो के अंदर, ठीक है,
और कुछ सब्जेक्ट रह गए वहाँ पे, टॉपिक रह गए हैं वो आप लोगों को कंप्लीट कराना है मुझे, तो इवनिंग वाली क्लास में आप अटेंड करिए, वहाँ पे जरूर आपको ठीक है जनरल स्टडी में बायो वाला जो पोर्शन है वो भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। लेकिन आरआरबी जेई के लिए आपका 30 मार्क्स की जो जनरल साइंस आएगी उसके लिए स्पेशल सीरीज चलाएंगे जनरल साइंस की, जिसमें तीनों साइंस आपकी कवर होगी। फिजिक्स वाला पोर्शन आर के रमन सर लेंगे और केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में करा के साथ ही साथ उसे डिटेक्ट भी कराऊंगा, यानी कि उससे आप लोगों को जैसे क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं उन्हें कंप्लीट समझा भी लूंगा वहीं पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपका काफी सारी चीजें कवर हो जाती है, फिर आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो आपका संप्रीति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था किन दो देशों के मध्य, डी राइट आंसर आएगा बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, वेयर विल द हेड क्वार्टर ऑफ न्यू रेलवे जोन नेम्ड साउथ एंड कोस्ट रेलवे, ठीक है, साउथ एंड कोस्ट रेलवे, जो साउथ एंड जो भारत का 18वां आपका क्या बनाया है, ठीक है, इंडियन रेलवे का नया जोन बना जो आपका साउथ एंड कोस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये तो मैंने इवनिंग वाली क्लास में बताया था आपको, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या चेन्नई। वेयर विल बी द हेड क्वार्टर ऑफ फैज मलिक, सर आपका नाम क्या है न्यू वाला, आप मेरा भी नाम, ये कौन से पेपर में आ जाएगा बच्चा, ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा कि मेरा नाम क्या है, आप वो चीज़ पढ़िए जीएस, ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीज़ मिल रही है वो चीज़ देखिए, मेरा नाम थोड़ा ना पूछेगा एग्जाम के अंदर कि आप कौन से सर से पढ़ के आए हो, ठीक है ना। वेयर विल बी द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन न्यू रेलवे जोन, तो विशाखापट्टनम, ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी विशाखापट्टनम, सी विशाखापट्टनम, ठीक है ना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें, सी विशाखापट्टनम इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, आईआरसीटी लॉन्च्ड वन डिजिट पेमेंट गेटवे कॉल्ड, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, आईआरसीटी ई पे, आईआरसीटी डीजी पे या आईआरसीटी क्विक पे, आईआरसीटी आई पे। अच्छा, नई एप्लीकेशन का नाम पूछ रहे, तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका डी इंटर, ठीक है ना, आईआरसीटी आई पे, आईआरसीटी आई पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस यूज बाय स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है आपका, H1N1, ठीक है ना, H1N1A या H1N1 या H1AN1 या आपका H1AN1, ठीक है ना, इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए, सी और डी एक समान है आपके, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी इसमें राइट आंसर आएगा, H1N1, स्वाइन फ्लू के लिए, ये क्या है आपका, एक वायरल डिजीज होती है, वायरस है, इस वायरस को क्या नाम दिया गया आपका, जो कि चमगादड़ के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है ना, जो फॉक्स क्या बोलते हैं आपका, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका, ए, इसमें राइट आंसर आएगा आपका बी, H1N1, स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है आपका, H1N1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, द फर्स्ट इंडियन वुमेन, सॉरी, फर्स्ट इंडियन वॉन द मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019, द फर्स्ट इंडियन वॉन द मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019, 2019 के लिए मिसाइल सिस्टम सम्मान किसे दिया गया या अवार्ड विजेता कौन रहे, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ चेयरमैन, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन या डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा या आर माधवन, हेल के क्या है, चेयरपर्सन है वर्तमान समय पर।
एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चा, आपने क्या पूछा है, किस चीज का जवाब देना? एफटी रीजनिंग की क्लासेस कब चलेगी? एफटी रीजनिंग की क्लासेस, एफटी रीजनिंग की क्लासेस के बारे में मैं आप लोगों को 2 दिन पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना, कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आरती सर की इस समय पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है। जब भी पॉसिबल होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा एफटी रीजनिंग क्लास कब चलेगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा, डीआरडीओ चेयरमैन मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया है, ठीक है ना। और डीआरडीओ के जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका डीआरडीओ इस्टेब्लिश 1958 1958 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय पे इसके चेयरपर्सन, वर्तमान समय पे इसके चेयरपर्सन कौन है आपके? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर अप्रैल 2019 मार्च 2020 एज द ईयर ऑफ, किस रूप में घोषित किया गया? अप्रैल 2019 से 2020 के बीच में मेडिकल टेक्नोलॉजी ईयर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर, या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ईयर, या ईयर ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट? अभी आप लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, बाद में एंड में आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं कोई नेहा मैम की क्लास होने वाली थी, अभी एफटी रीजनिंग की कोई भी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है ना। एफटी रीजनिंग की क्लास अभी नहीं चल पाएगी आपकी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होने के कारण, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पॉसिबल हो सकेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, और आर के रमन सर स्पेशली आप लोगों को बता दे देंगे कि क्लास कब शुरू होगी आपकी। इस संबंध में मैं आप लोगों को पिछले 2 दिन से बता रहा हूं कि अभी नहीं चल पाएगी, अभी पॉसिबल नहीं है, रीजन उसका आउट ऑफ बजट होने के कारण, ठीक है ना। तो अभी बच्चों जितना मिल रहा है आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल उसे पढ़िए, जो बेटर लग रहा है आप उसे करिए, ठीक है। तो अभी आपको एफटी रीजनिंग की क्लासेस नहीं चल पाएगी, बार बार एक ही सवाल मत पूछिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी फॉर थर्ड, लगभग तीसरे टाइम ही आपके चुने गए, ठीक है ना, लास्ट लगभग आपके रीअपॉइंटेड। जो आपके हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एफटी रीजनिंग की क्लासेस जरूर स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, जब आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो एफटी रीजनिंग, लेकिन अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पे पॉसिबल नहीं है। जैसे ही होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, या इस चीज़ के लिए रमन सर आपको स्पेशली बता देंगे क्लास कब से शुरू होने वाली है एफटी रीजनिंग की। अभी जितनी चीज़ चल रही है इसी तरह से चलती रहेगी, टेक्निकल में आपकी तीनों ब्रांचेस चल रही है, ठीक है, और नॉन टेक में आपका एक और एफटी रीजनिंग, सॉरी एक और आपका करंट अफेयर, और दूसरी क्लास में हम लोग जीएस पढ़ते हैं, जीएस में वहाँ पर हम लोग जनरल साइंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले लगातार तीसरी बार क्या हुए आपके क्रिकेट कमेटी के, क्या आईसीसी क्रिकेट कमेटी जो समिति बनी है उसके चेयरमैन चुने गए हैं लगातार तीसरी बार, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? बी अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 15 का जो मैंने आंसर बताया था आपका बी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर, एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आएगा आपका? बी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर, और ये सारे क्वेश्चन पहले ही बताए हुए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बैग्ड ग्रीन एरा अवार्ड फॉर द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो किसको मिला आपका? इंफोसिस को मिला है आपका, लार्सन एंड टर्बो को मिला है, हुंडई मोटर्स कंपनी को, या टीवीएस मोटर कंपनी को?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बैग्ड ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो इंफोसिस, टर्बो हो गया आपका, हुंडई मोटर्स कंपनी या टीवीएस मोटर्स। अभी आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एंड में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना, बीच में। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो किसे मिला आपका, टीवीएस मोटर कंपनी को, टीवीएस मोटर कंपनी को। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैज बीन रिसेंटली इनोग्रेटेड एट रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर जो आपका अभी रिसेंटली एक म्यूजियम संग्रहालय जो क्या गया है, उसकी शुरुआत की गई है, तो कौन सा आपका, सालार जंग नहीं हो सकता क्योंकि ये हैदराबाद के अंदर है, ठीक है ना। दृश्य कला हो गई आपका, आजादी के दीवाने म्यूजियम या याद है तो इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम हैज बीन रिसेंटली इनोग्रेटेड एट रेड फोर्ट, सालार जंग जो कि हैदराबाद के अंदर है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी, आजादी के दीवाने म्यूजियम, जो कहां पे खोला गया आपका, रेड फोर्ट के अंदर खोला गया, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी। एक बच्चा पूछता है सर आंसर पता नहीं है, ठीक है ना, आंसर पता एग्जाम हॉल में जाने से पहले पता हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है बच्चा। आप पुराने स्टूडेंट हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। एंड पे जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा चीजें पूछनी है एंड पे बात करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक से भटक जाते हैं, जो जो चीजें मुझे आपको बतानी होगी उस चीज से भटक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा, आजादी के दीवाने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूट कैपिटल सिटी इन 2018, ग्रीन पीस इंडिया ने इसके जारी किया था, रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है ना। ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें सबसे जो पॉल्यूट, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है वो कौन सा आपका, बीजिंग चाइना, ढाका बांग्लादेश, न्यू दिल्ली इंडिया या काबुल अफगानिस्तान। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, सबसे ज़्यादा जो आपकी क्या है, प्रदूषित राजधानी है, वो कौन सी आपकी, न्यू दिल्ली इंडिया। सी राइट आंसर आएगा इसमें, न्यू दिल्ली इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मलेशिया विल बी ऑफिशियली बी द, अभी रिसेंटली मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ऑन June 1, 2019, 1 जून के बाद एक स्थायी सदस्य बन जाएगा ICC। ICC का मतलब यहाँ पे क्या आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बन जाएगा, तो कौन से नंबर का, 124, 125, 126 या 127। लेकिन ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ICC का 124वां, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124वां सदस्य कौन बना, तो मलेशिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर आएगा आपका ए, इसमें राइट आंसर आएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मलेशिया आपका कौन से नंबर का बना, तो 124वां, लेकिन ICC से जुड़ने वाला 124वां सदस्य कौन सा आपका, मलेशिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच कंट्री विल इन्वेस्ट RS, ठीक है ना, विथ कंट्री विल आपका क्या है कि 5,000 करोड़ इन भारतीय एयरटेल। ये सारे क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, तो ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आंसर दें, क्योंकि ये क्वेश्चनों के बारे में मैं ऑब्जेक्टिव तभी करा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को वन वर्ड कहीं ना कहीं बीच में बताता हूं, तो आप लोग याद रखते हैं कि नहीं रखते उन चीजों को, ठीक है। विच कंट्री विल बी इन्वेस्ट 5,000 करोड़ इन भारतीय एयरटेल, तो कौन सी आपकी, सिंगापुर, डेनमार्क, जर्मनी या इटली, तो सिंगापुर की, ठीक है ना। सिंगापुर जो कि भारतीय एयरटेल में क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी कितना, 5,000 करोड़। तो दोनों चीजें याद रखना कि सिंगापुर जो अभी भारतीय एयरटेल के अंदर कितना आपका इन्वेस्ट करने वाली है, तो 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है। इसकी आपका दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों लैंग्वेज में पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और कल ही एक बच्चे ने पूछा भी था, व्हाट इज द ऑफिशियल
यूएन थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2019 जो महिला दिवस मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई थी? 8 मार्च को कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? What is the official theme of International Women's Day, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या रखी गई थी? तो क्या आपका इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए? आपका सी, थिंक इक्वल बोल्ड स्मार्ट इनोवेटेड फॉर चेंज। सी इसमें राइट आंसर आएगा आपका कि 8 मार्च को, याद रखें बच्चों, 8 मार्च को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम क्या थी? थिंक इक्वल बोल्ड स्मार्ट इनोवेटेड फॉर चेंज। सी राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है। और कब मनाया जाता आपका? 8 मार्च को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय, 8 मार्च को। और 14 फेब को क्या मनाया जाता आपका? नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 14 फरवरी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाउ मच डिड एनजीटी ले पेनल्टी फॉर द फॉक्स वेगन फॉर यूजिंग चीटिंग डिवाइस इन टेस्टिंग? एनजीटी के द्वारा फॉक्स वेगन पे रिसेंटली क्या लगाया गया था आपका? पेनल्टी लगाई गई एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा फॉक्स वेगन फॉर यूजिंग चीटिंग डिवाइस इन टेस्टिंग। तो क्या पेनल्टी लगाई गई थी? कितने की पेनल्टी लगाई गई? 100 करोड़, 1 करोड़ या 225 करोड़ या 500 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए बच्चा? इसमें डी राइट आंसर आना चाहिए, 500 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई किस पे? फॉक्स वैगन पे, ठीक है ना, फॉक्स वैगन पे एनजीटी के द्वारा फॉक्स वैगन पे 500 करोड़ की पेनल्टी के रूप में लगाई गई। हाँ, 100 करोड़ मेघालय। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड जल अमृता स्कीम टू कंजर्व वाटर, यानी कि जल संरक्षण के लिए जल अमृता स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अयोध्या। बच्चा आपकी बातों से हंसी आ रही है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड जल अमृता स्कीम टू कंजर्वेशन, यानी कंजर्व यानी कि जल संरक्षण के लिए जल अमृता स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका या केरल? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए बच्चा? कर्नाटक राइट आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैं आप लोगों को पहले भी इनके बारे में बता चुका था। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें पूछनी, तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग आगे इन टॉपिकों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अयोध्या आपको क्या पूछना है? देखो आप लोग, मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझा दूँ, आपके हर कमेंट्स पे इंजीनियर अकेडमी की टीम हमेशा नज़र बनाए रखी रहती है, ठीक है ना। आप लोगों के हर एक एक्टिविटी को देखा जाता है, तो आप कुछ भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें पूछिए, उससे संबंधित जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उन्हें मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें, ठीक है ना बच्चा। तो अभी हम लोग, क्योंकि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे अक्सर नोट करी हुई है, तो आगे भी इसे बनाए रखें, ठीक है, एक भरोसा बनाए रखें अपने और हमारे बीच में। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन, अब चलते हैं हम लोग कुछ टॉपिक की ओर। लेविस हैमिल्टन, ठीक है ना, लेविस हैमिल्टन वॉन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019,
2019 जो आपकी कार रेस होती है, यानी कि लेविस हैमिल्टन वॉन, ठीक है, ये आपका इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया, ठीक है ना, तो किसके द्वारा जीता गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डॉक्टर राजेंद्र जोशी कम फ्रॉम विद द प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 किन्हें दिया जाएगा? आपका डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी को दिया जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी को क्या दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मान और नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, यानी कि आपका क्या होता है, ये एक एनआरआई है, ठीक है, ये क्या आपके एक एनआरआई जो साइंटिस्ट है आपके डॉक्टर राजेंद्र जोशी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनआरआई से संबंधित आप लोगों को अगर ध्यान देना, पार्ट टू का अगर ध्यान हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग दो, भारतीय संविधान के अंदर भाग दो पार्ट टू आर्टिकल 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11 आपको क्या मिलेंगे? 5 to 11 डील विद सिटीजनशिप, यानी नागरिकता से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है ना, जो किससे आपके सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। यहां पे इस टॉपिक को इसलिए बता रहा हूं आपको, एनआरआई आया हुआ है, यहां पे क्या है आपका एनआरआई पूछा गया है, तो मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट टू भाग दो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 क्या डील करता है, किससे संबंधित है? जैसे आपका 5 कि भारत जैसे स्वतंत्र हुआ तो यहां पे जो लोग उनकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 यानी कि जैसे आपका आर्टिकल 6 डील क्या करता है, जब पार्टीशन हुआ था आपका 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान से जो लोग यहां पे आए उनसे संबंधित चीज है, ठीक है, उसी तरह से एक चीज ध्यान देना कि अनुच्छेद आर्टिकल 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 काफी ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो जो जो क्या है आपका आर्टिकल 11 के आपका कि भारत के अंदर नागरिकता के संबंध में, सिटीजनशिप के संबंध में पूछा जाता है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, वो राइट्स किसे दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान के अंदर क्या पूछने की कोशिश करें, यहां पे अच्छे से समझें। सभी कुछ कवर कर रहे हैं हम लोग यहां पे, ठीक है ना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछते हैं नागरिकता, ठीक है ना, जिस यानी कि आपका सिटीजनशिप के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, यानी कि भारतीय अगर नागरिक है तो नागरिकता के संबंध में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, नए राइट्स उनके अधिकारों के संबंध में कुछ अगर नए राइट्स जोड़ने हैं, नए अधिकार जोड़ने हैं, तो ये किसके पास अधिकार होता है, तो आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 के अंदर ये दिया गया है, ठीक है ना, ये किसे दिया गया आपका? पार्लियामेंट यानी संसद को दिया गया है, किसके दिया गया आपका? संसद को दिया गया है, भारतीय संसद, भारतीय पार्लियामेंट जो आपका अनुच्छेद 11 के तहत क्या कर सकता है, नागरिकता में क्या कर सकता है आपका, चेंज कर सकता है, ये अधिकार दिया गया, ठीक है, ये पूछा जाता है आपका। अभी एनआरआई की बात आई थी, तो एनआरआई कौन होंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वो अनुच्छेद आपका 9 के अंदर दिया गया है, 9 और 10 में, दोनों अपने आप में पैरेलल है, आप अपने आप में इन्हें समझे, इवनिंग वाली क्लास में कंप्लीट बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, तो यहां पे एनआरआई आया था इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी समझा मैंने, ठीक है ना, तो नागरिकता के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट टू भारतीय नागरिकता पार्ट टू संबंधित है। आज जो इवनिंग वाली क्लास होगी वहां पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, लगभग सभी चीजें समझा दूंगा। अगर यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा भी है, आरती देवी जी, ठीक है, उन्होंने पूछा है पार्लियामेंट से संबंधित, तो इवनिंग वाली क्लास में जहाँ पे जीएस चलेगा वहाँ पे कंप्लीट चीजें समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, मूल कर्तव्य क्या होते हैं आपके, और फंडामेंटल राइट्स कब लिए गए, और ये कौन कौन से अभी वर्तमान समय पर दिए जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो डॉक्टर यहाँ पे जरूर ध्यान देना, प्रवासी भारतीय सम्मान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी को दिया गया जो कि एक एनआरआई साइंटिस्ट है, ठीक है ना, साइंटिस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। लीलाधर जगुड़ी,
इनका नाम अभी सुना होगा आप लोगों ने, ब्यास सम्मान। इन्हें क्या दिया गया? ब्यास सम्मान 2018 दिया गया, ब्यास सम्मान 2018, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी जी को क्या मिला आपका, जो कि ब्यास सम्मान लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ब्यास सम्मान किसे दिया गया आपका? लीलाधर जगुड़ी। हिंदी राइटर लीलाधर जगुड़ी ऑनर्ड विद ब्यास सम्मान 2018 फॉर कलेक्शन ऑफ पोएम। इनकी जो कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम, जो 2013 में पब्लिश हुई थी, 2013 में इनकी क्या हुई थी, एक कलेक्शन ऑफ पोएम कविता संग्रह पब्लिश हुई थी, जिसका नाम क्या है, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। इसी के लिए इन्हें क्या दिया गया, ब्यास सम्मान 2018 दिया गया। नेक्स्ट आपका स्वीडन 16-year-old गीता, ठीक है ना, ग्रेटा थंबर्ग, इनका नाम क्या है, थंबर्ग, ठीक, ग्रेटा थंबर्ग नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति के लिए, ठीक है ना, जो आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 2019 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, यानी कि आपका 10 दिसंबर को दिया जाएगा 2019 में, तो किसे नॉमिनेट किया गया, उनका नाम क्या आपका, ठीक है ना, ग्रेटा थंबर्ग। 2018 में तो बताया था मैंने आप लोगों को, जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 2018 में नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया, 2018 में नोबेल पीस प्राइज किन्हें दिया गया था, उसके बाद इस टॉपिक को आगे कराऊंगा। सुनील कुमार जी कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, कि अभी समझ, अच्छा जनरल स्टडी कुछ कम समझ आ रहा है, ठीक है, जनरल स्टडी समझ में कम आ रहा है, बच्चा आ जाएगा समझ में। मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा था आप लोगों से कि 2018 में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि नोबेल प्राइज, यहाँ पे बात किसकी आ रही थी, नोबेल प्राइज की बात आई, ठीक है ना, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है, जो आपके नोबेल प्राइज होंगे, नोबेल प्राइज यानी कि जो आपका नोबेल सम्मान होता है, इस्टेब्लिश अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 1900 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि आपकी पांच अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, तब पांच अलग अलग में, अभी की परेशान बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे पांच अलग अलग कैटेगरी में, एक हो गया आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में, दूसरा हो गया आपका मेडिकल के फील्ड में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा हो गया आपका कौन सा, फिजिक्स के क्षेत्र में, तीन तो ये हो गया आपका, केमिस्ट्री अलग होता है आपका, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल के फील्ड में फिजिक्स हो गया आपका, तब आपका लिटरेचर में दिया जाता था और उसके साथ साथ पीस के फील्ड में दिया जाता था, नोबेल प्राइज आपके पांच फील्डों में दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन 1967 ईस्वी में एक नया जोड़ा गया, पांच अलग अलग कैटेगरी में नोबेल पीस प्राइज 1900 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जाता है एक कैटेगरी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक कैटेगरी में यानी एक कैटेगरी में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो अधिकतम ये कितने लोगों को दिया जा सकता है, तीन लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अधिकतम एक ध्यान देना, अगर कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एक वर्ष में एक से लेकर मैक्सिमम तीन लोगों को, मिनिमम एक और मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जाता है आपका, ठीक है। और इस टाइम पे आपका जब स्टार्ट हुआ था तो पांच कैटेगरी थी, केमिस्ट्री हो गई आपकी मेडिकल के फील्ड में यानी चिकित्सा, फिजिक्स लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और पीस शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1967 में पहली बार इसमें क्या जोड़ा गया आपका, इको इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। ये भी पूछा जाता है आपसे कि नोबेल पीस प्राइज यानी कि जो आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, या नोबेल में जो छठी कैटेगरी जोड़ी गई तो किस वर्ष जोड़ी गई, 1967 में। अब आते हैं हम लोग टॉपिक की ओर, जो टॉपिक अभी शुरू हुआ था आपका पीस प्राइज, पीस प्राइज 2018 तो किसे मिला था आपका,
डेविस मुकामजे और नादिया मुराद को मिला था, ठीक है ना, नादिया मुराद और डेविस मुकवेज को मिला था 2018 में संयुक्त रूप से। तो 2019 के लिए अभी नॉमिनेट किया गया है, 2019 के लिए अभी किसे, उनका नाम क्या है, ग्रेटा थम्बर्ग है, जो कि क्या है, एक स्वीडिश है, ठीक है ना। और इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में, ये 16 वर्ष की, अभी इनकी एज कितनी है, 16 वर्ष है, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्टिविशन है एक तौर से ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में, एक अवेयरनेस शुरू करी थी जिसका नाम क्या आपका, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट शुरू किया अक्रॉस द 80 कंट्रीज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है अभी नॉमिनेट किसे किया गया है, अभी तो नॉमिनेशन सीजन चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका कब तक होता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। एक चीज ध्यान देना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नोबेल पीस जो प्राइज दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। और भारत रत्न, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो सम्मान है, ठीक है, वो कब दिया जाता है आपका, 26 जनवरी को। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे दो अलग अलग चीजें पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, तो ये कब दिया जाता है आपका, 10 दिसंबर को। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलेगा आपको। और साथ ही साथ भारत के अंदर जैसे आपका पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सारे के सारे अवार्ड कब दिए जाते हैं, तो ये आपके 26 जनवरी को दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बच्चों अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चों ने हिंदी मटेरियल के संबंध में क्वेश्चन पूछे थे कि हिंदी मटेरियल कैसे बुक किया जाएगा, तो अभी आपका लगभग 50 के आसपास रह चुके हैं हिंदी मटेरियल में पैकेज, ठीक है ना। और आप लोग एकेडमी के नंबर पर कॉल कीजिए, वहाँ पे इंक्वायरी लीजिए उस संबंध में, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूँ, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग इवनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।